क्या देख रही हैं आप? तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया। हमारा जाना तो रह ही गया। कोई बात नहीं, अगली फ्लाइट से चले जाएंगे। नहीं अम्मी, अगर रूही चली जाएगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? और रिफत भी का तो आपको पता ही है, उनसे घर के काम नहीं होते, वो मेरे काम कैसे करेंगी? और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से सारा बोझ आप पे पड़े। और घूमने फिरने का क्या है, ये दोनों फिर कभी प्लान कर लेंगे, है ना रोही? बेटा तुम जाके किचन देख लो। हाँ, और मेरे लिए कुछ अलग से बनाते ना प्लीज। क्या खाएंगे आप? कुछ भी लाइट सा बना दो। जी क्या देख रही हैं आप? तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया। महज उनका प्रयाण कैंसिल करने के लिए खुद को तुमने इतनी तकलीफ दे डाली। अम्मी, खुशियों के लिए ऐसी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। इसे कुर्बानी नहीं, बेवकूफी कहते हैं। और तुम्हारे यही अंदाज मुझे परेशान कर रहे हैं। पहले खुदकुशी और अम्मी, याद है मुझे ये सब बात, इसी बातें ना करो। आप इस बात पर फोकस करें कि रूही के लिए इस घर को जहन्नम बना दें, उसे इतना तंग करें कि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि अपनी छोटी बहन को इस जहन्नम में झोंकने पर राजी ना हो, और रूही को दिन में तारे दिखाए बगैर मैं उसकी जान नहीं छोड़ूंगा। और अगर तुम ज्यादा चोट लग जाती तो? फिक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा।